बाबा रणकिशोर, आप इनमें से किसी को बुलाइए प्लीज, आप किसको चाहते हैं यहां पे आए, आप तय कीजिए इनमें से कौन आएगा। ये पीली शर्ट वाले के उन्होंने वॉलंटियर कर दिया, आप भी आ रहे हैं, आप भी आ जाइए यहाँ पे जरा, बाबा भी यहाँ खड़े होंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है समीज? नहीं, नहीं, हाँ अच्छा, ये खड़े हो गए, ये वॉलंटियर कर रहे हैं, आप चाहें तो बाबा से भी वॉलंटियर करा सकते हैं, आपकी मर्जी। और अब आप क्या दिखाने वाले हैं ये हम समझ पाए कि ट्रिक क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है? आपके पास कोई 500 का नोट है? कोई आपके पास कोई नोट है? मेरे पास है, मेरे पास है एक। अच्छा, कोई भी बड़ा नोट दीजिए। हाँ, बड़ा है छोटा है, लेकिन मेरे पास एक नोट है, ये लीजिए। लीजिए। अच्छा, मैं इसे देख नहीं रहा हूँ, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर, नजर आ रहा होगा ये। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अपने मैं टैब में लाया हूँ कैलकुलेटर, कोई भी आप 4 डिजिट नंबर बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसमें टाइप करूँगा। 4, 5, 6, 4, 5, 6, एक बार 6 और ले लेते हैं, है ना सर? आप बोलिए कोई, मैं इसको जोड़ता चला जाऊँगा। 4 डिजिट नंबर 3, 5, 3, 5, 8, 7, 8, 7, प्लस कोई भी एक 4 डिजिट नंबर आप बोलिए। 7, 8, 9, 7, 8, 9, जो एक और बोलिए 10। तो एक जोड़ दिया मैंने, एक नंबर मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ जोड़ा, ये कैमरे पे दिखाइएगा जरूर। हाँ, और इसको मैंने प्लस किया, कोई भी आप एक नंबर, 1, 2, 3, 4, हम 4 लोग हैं, इसको मैं 4 नंबर और जोड़ देता हूँ, कुछ भी माइंड आंखें बंद करके, और मैंने इज इक्वल टू का एक बटन दबाया यहाँ पर, तो मेरे पास एक नंबर आया है यहाँ पर, इसको मैंने टोटल आपसे एक नंबर, आप उधर दिखाते रहिए वो कैमरा जिसका रेड ब्लिंक कर रहा है। हाँ। आपसे एक नंबर लिया, आपसे 4 डिजिट नंबर लिया, आपसे लिया, कुछ नंबर मैंने डाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये नंबर कहाँ जाने वाला है, इन सबको हमने जोड़ा है, एक नंबर आया है सर, आप देख सकते हैं, ये नंबर है 406155। जी हाँ, ये कैलकुलेटर में नंबर हमने मिलकर बनाया है, और अभी हमने इसमें ये एक नोट छुपा हुआ था, और आपसे एक से नोट लिया था, आप ये लीजिए, नोट लीजिए। देखा भी नहीं, ऐसे डिजिट दबा दिया, और उसके बाद ये इसमें जो लिखा हुआ है वो कैलकुलेटर में लिखा। एक सेकंड, इस दोनों को क्लोज कीजिए जरा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें, और ये देखिए नोट में क्या है, क्लोज कीजिए इसको जरा। 406155, 406155, ये ट्रिक है, और अगर ये ट्रिक है तो जो बाबा कर रहे हैं वो क्या है, और अगर ये ट्रिक है तो फिर ये तो हमारे लिए चमत्कार है, तो फिर इसको हम चमत्कार माने कि ट्रिक माने? अगर हम सीख जाएंगे तो ये ट्रिक होगी, जब तक हम नहीं सीखते तब तक ये हमारे लिए तो चमत्कार ही है। इसी तरीके से बाबा के पास जो सिद्धियां हैं, जो जानकारी है, जो कृपा है, जब तक बाकी लोगों को मालूम नहीं है क्या, तब तक वो चमत्कार है क्या? ये इसी तरीके से आसानी से ये सुमित, ये आप मुझे सिखा सकते हैं क्या ट्रिक? मतलब अगर मैं सीखना चाहूं तो इज इट समथिंग विच आई कैन ऑल्सो लर्न? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी आपको ये बताकर, लेकिन ये शो के बाद में आपको जरूर बताऊं। नहीं, मतलब कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, विद्या है। तो अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इन बाबा को कुछ बताते हुए देखते हैं, उनका नाम क्या है, उनके घर में अमुक परेशानी है, उनका मोबाइल नंबर ये है, तो आप इसको ट्रिक मानते हैं कि चमत्कार मानते हैं? देखिए, इसको कहीं कहीं जगह पर ये ट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आभास किया जाता है, एक प्रिकॉग्निशन नाम की चीज़ है, प्रिकॉग्निशन नाम की एक कह सकते हैं कि प्रिकॉग्निशन होता है, आभास हो जाना पहले से कि क्या होने वाला है कुछ देर में, वो जो इंसान का सच और झूठ कई बार हमें पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है। अब जरा एक और ट्रिक हम देखते हैं, कोई और वॉलंटियर करेगा? एक इस बार मैं बुलाता हूँ, अच्छा आप आ जाइए मैम, आइए आइए आइए, मुझे लगा कि ये रो पड़ेंगी अगर मैं इनको बुलाऊंगा नहीं, और मैं ऐसा कर नहीं सकता, इस ऑडियंस के लिए ऑडियंस की तरफ से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आइए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाई मेरे लिए तो ये चमत्कार था जो आपने किया, आप कह रहे हैं ट्रिक है, अब जरा मैम आप आइए, आप वॉलंटियर कीजिए, क्या दिखाने वाले हैं? क्या नाम है आपका? रिया सिंह। रिया, रिया आप मुझे नहीं जानते, मैं अभी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बाबा जी को आप नहीं जानते, है ना? मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए आँख अपनी बंद रखिए, जब तक मैं आपसे कहूँ नहीं आप आँखें बंद रखिएगा, और ये हाथ माइक नीचे कर लीजिए, मैं आता हूँ यहाँ बीच में आता हूँ, हाथ सीधे कर लीजिए नीचे, माइक नीचे, माइक भी नीचे कर, माइक नीचे कर लीजिए, हाँ बिल्कुल, हाथ सीधे बिल्कुल।
आंखें बंद रखिएगा क्योंकि कुछ देर में आपकी जो दिमाग है उनका कुछ एक कंट्रोल करने की कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आई कैन डू इट। रिया, अब कुछ भी आपके दिमाग में विचार आए, कुछ एक फोटोग्राफ आए तो आप प्लीज़ याद रखिएगा, और कुछ भी अगर आपको फील होता है तो वो भी याद रखिएगा। क्या आपको कुछ फील हुआ अभी रिया? क्या आपको कुछ फील हुआ अभी? कुछ फील हुआ आपको बॉडी पे? यहाँ मैंने, हाँ यहाँ मैंने आपके कंधे पे टच किया है ना। छोड़ दीजिए, आप, मैं आपके मुंह में लगाता हूँ क्योंकि आपको सीधा खड़ा होना है। मैंने आपको यहाँ पर कंधे पे टच किया था, आपको ये फील हुआ? हाँ। इसी तरीके से और भी आपके माइंड में कुछ भी बातें हों या कुछ भी आपको फील हो तो आप प्लीज याद रखिएगा। okay. आपको पूरा ध्यान फोकस यहीं करना है, तभी यह संभव है। हा? रिया, क्या आप बता सकते हैं कि अभी आपको कुछ फील हुआ? हाँ, हाँ या ना? सिर्फ यस, नोज पे बस कुछ टच हुआ और नथिंग, नोज पे नॉर्मल। नोज पे आपको फील टच फील हुआ है ना? और कितनी बार हुआ? दो बार। आप आके खोल सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ क्या है कि ओ ये ट्रिक है, तो मतलब मेरे अब मैं दो बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। और नहीं, एक सेकंड, और उसके बाद अगर आप मुझे पढ़ा लिखा मानते हैं और मैं इसमें प्रभाव में आ रहा हूँ तो जी, अगर आईज मेरी बंद है बट अगर मुझे कोई भी टच करेगा तो मुझे तो महसूस होगा। आपको नहीं छुआ था उन्होंने उनको छुआ था। यही तो बात हो रही है। रिया के लिए सरप्राइज था जो अभी खुला है। आपको उन्होंने छुआ ही नहीं, और उन्होंने कार्ड के जरिए महाराज जी की नाक को दो बार छुआ, और आपको लग रहा है कि आपको छुआ। तो ये इसको आप क्या, ये ट्रिक है आपके लिए कि चमत्कार है? ट्रिक ही है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, इसकी ये लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर ये ट्रिक आती है। तो क्या ये, आइए प्लीज आइए। क्या ये, सर आप लोग भी अपनी जगह पर आ जाइए। मैं, अब ट्रिक क्या है और चमत्कार क्या है ये आप लोग फैसला कीजिएगा। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए।